centimeter, and an isosceles triangle of base 8 centimeter and sides 6 centimeter each is to be made of three different shades as shown in the figure. ये हमें फिगर गिवन है. ये फर्स्ट शेड है, देन ये सेकंड, एंड देन दिस वन इज द थर्ड. अब इसमें वो क्या कह रहा है कि काइट इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर विद अ डायगोनल 32 सेंटीमीटर एंड एन आइसोसेलस ट्राइंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड्स 6 सेंटीमीटर ईच. इसका जो ये डायगोनल हमें गिवन है दैट इज 32 सेंटीमीटर. काइट जो है वो स्क्वायर की शेप में है एंड यू नो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल. तो अगर एक डायगोनल हमें 32 गिवन है तो जो दूसरा वाला डायगोनल है दैट इज आल्सो 32 सेंटीमीटर. और फिर वो कह रहे हैं कि इसके जो है बेस में एक ट्राइंगल गिवन है जिसका बेस आइसोसेलस ट्राइंगल है, बेस 8 सेंटीमीटर है एंड द इक्वल साइड्स आर 6 सेंटीमीटर. अब डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एज वेल एज दे बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल मुझे गिवन है, नेमिंग इसके नहीं गिवन तो हम अपने पास से ले लेंगे. ये हमने ट्राइंगल की नेमिंग कर दी, ए बी सी डी स्क्वायर ले लिया पहले, ओ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स एंड बेस जो बेस में था ट्राइंगुलर रीजन गिवन है उसका बेस हमने फर्दर ई एफ ले लिया. तो ये ट्राइंगल हमारा बन रहा है सी ई एफ. एक आपका ये फिगर बन रहा है, एक ये वाला ट्राइंगल बनेगा आपका और एक ये वाला ट्राइंगल बनेगा. यानी कि टोटल थ्री जो है यहाँ पे शेप बन रही है जिसमें से फिगर वन और टू जो है, यानी कि ट्राइंगल वन और ट्राइंगल टू जो है दे आर कॉन्ग्रुएंट क्योंकि साइड्स इक्वल हैं, डायगोनल्स इक्वल हैं. तो ट्राइंगल वन और ट्राइंगल टू दीज आर द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. एक ट्राइंगल का आप एरिया निकाल लोगे दूसरे का भी आपका एरिया सेम आएगा. और हमें निकालना क्या है, हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड इन इट. हमें कितना जो है पेपर चाहिए वो निकालना है. पेपर कितना चाहिए, जितना इस ट्राइंगल का एरिया है. सेम वे में जितना इस ट्राइंगल का एरिया है, ये फर्स्ट शेड, ये सेकंड शेड, ये थर्ड शेड, यानी कि तीनों ट्राइंगल्स का हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें डायगोनल ए सी जो है या बी डी जो है वो 32 सेंटीमीटर गिवन है. इट मींस ये जो आपकी लेंथ आएगी दिस विल बी 32 बाय 2 दैट इज 16 सेंटीमीटर क्योंकि जो डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर है दे बाइसेक्ट ईच अदर. तो ये आप लिख दोगे कि डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर एंड दे बाइसेक्ट एट 90 डिग्री. दिस आल्सो यू नो डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. देयरफॉर एओ is equal to OB is equal to AO is equal to OC ले लेते हैं हम AC का half and इधर से BO is equal to DO and all of these are equal to 32 by 2 that is 16 centimeter. अब also angle AOB is equal to angle AOD is equal to angle COD is equal to angle BOC. ये सारे आपके 90 डिग्री के हैं, यानी कि AO जो है that is the perpendicular for this triangle ABD. BD base है 32 सेंटीमीटर गिवन है, ये हाइट है 16 सेंटीमीटर गिवन है. तो वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. सिमिलर वे में ये हमें साइड्स गिवन है, ये साइड्स गिवन नहीं है, हमें ये बेस गिवन है, हमें ये हाइट गिवन है. तो वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. ये आपकी जो ट्राइंगल है ये आपकी आइसोसेलस ट्राइंगल है जिसमें हमें हाइट वगैरह कुछ गिवन नहीं है. वी आर गिवन द थ्री साइड्स. तो यहाँ पे आप हीरोन्स फॉर्मूला लगाओगे, ये दोनों ट्राइंगल्स आपकी डायरेक्ट आप एरिया फाइंड आउट कर दोगे, यहाँ पे आप हीरोन्स फॉर्मूला लगाओगे. सो लेट अस फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी डी. दैट इज हाफ इंटू बेस, base is BD into altitude that is AA.
यहाँ पे इससे पहले आप ये भी लिख लो बेशक, ए सी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर. सो दिस इज हाफ इंटू 32 इंटू 16. अब ये एरिया है तो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो यू विल राइट डाउन द स्क्वायर यूनिट. सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी दैट इज अगेन हाफ इंटू बी डी इंटू सी ओ, वो भी आपका सेम आ जाएगा, हाफ इंटू 32 इंटू 16 दैट इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ वी आर टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल सी ई एफ. इतना नोट डाउन कर लो, फिर हीरोन्स फॉर्मूला से आगे करवा रही हूँ मैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई एफ, साइड्स आपको गिवन है 6, 6 and 8. सेमी पेरीमीटर निकाल लोगे पहले आप, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा लोगे. आई होप यू वुड हैव नोटेड इट डाउन. ओके, नाउ वी आर टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल सी ई एफ. तो यहां हम लिख लेंगे फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई एफ, हमें ए गिवन है 6 सेंटीमीटर, बी इज 6 सेंटीमीटर, सी इज 8 सेंटीमीटर. ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है. सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2. सो दिस इज 20 बाय 2 means 10. ये आपका 10 सेंटीमीटर आ गया. Now we are to find the area. So S into S minus A, S minus B, S minus C under the root. S into S minus A, S minus B, S minus C. Now this is equal to 10 into 4 into 4 into 2 under the. अब आप इसमें देखो अगर तो 2 और 4 आपके पेयर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो आपके रूट से बाहर आ जाएंगे और यहाँ रह जाएगा रूट 5. रूट 5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपने की हुई है 8 स्टैंडर्ड में, दैट इज 2.24 अप्रोक्सीमेटली. तो आप ये वैल्यू इसमें पुट कर दोगे एंड यू विल गेट योर आंसर. दिस इज 8 रूट 5. That is 8 into 2.24 approximately. So you have multiply karoge and you will get your answer. और ये आपके पास सभी एरियाज आ गए, यानी कि दिस मच पेपर जो है दैट इज नीडेड फॉर द शेडिंग फॉर शेड 1, 2 and 3. और लास्ट में आप इसको आंसर लिख दोगे, पेपर नीडेड फॉर शेड 1, पेपर नीडेड फॉर शेड 2 and paper needed for shade 3. Shade 1 or shade 2 के लिए आपका जो paper needed है that will be seen. Shade 3 के लिए 17.92 centimeter square. So this is your answer. सबसे पहले आपने एरिया जो है जो आपको गिवन इंफॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू दैट, उसमें आपको उन्होंने यही कहा कि लेंथ ऑफ द डायगनल इज 32 सेंटीमीटर. तो जब तक आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टी नहीं पता होगी कि लेंथ ऑफ द डायगनल जो है वो इक्वल होती है एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 degree, तब तक आप ये जो है सम नहीं कर पाओगे. क्योंकि जब आपको ये कंसेप्ट क्लियर है कि ये एंगल 90 डिग्री है तभी आपको पता लगेगा कि ये एल्टीट्यूड बन रहा है. सेकंड थिंग, जब डायगनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो अगर ये पूरा आपको 32 गिवन है तो इसका हाफ आप 16 लेके चलोगे. सेम वे में ये भी 16, ये भी 16 और ये भी 16. देन आपने इस वाले ट्राइंगल के लिए हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड लगाया, इसके लिए भी हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड लगाया. लास्ट वाले में क्योंकि मुझे तीनों साइड गिवन है तो वहां पे आपने हीरोन्स फॉर्मूला लगाया. सबसे पहले आपने सेमी पेरीमीटर निकाला, देन आपने फॉर्मूला यूज किया, कैलकुलेशंस की एंड देन यू विल गेट योर आंसर. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. 8 वॉज योर होमवर्क पार्ट. अगर 8 में कोई डाउट है तो यू कैन आंसर.
नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में वी आर गिवन, ये ध्यान से करना, अ शेप इज इन द फील्ड ऑफ अ ट्रेपीजियम हूज पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर एंड 10 मीटर. बेटे वैसे जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका डिलीटेड पार्ट है, बट क्योंकि सिलेबस करवाने के लिए वी आर स्टिल हैविंग टाइम, हमारे पास टाइम है, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग दीज क्वेश्चंस, ताकि आपकी जो नॉलेज है किसी वे में कम ना हो, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस क्वेश्चन इज डिलीटेड. ठीक है, अगर हमारे पास टाइम कम होता तो शायद मैं ना करवाती, क्योंकि ये डिलीटेड पार्ट है, बट वी आर हैविंग द टाइम, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी चीज का कोई लॉस होना चाहिए नॉलेज वाइज, तो दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन फिर आगे आपका यूज होता है, आगे भी कई बार आ जाता है. और आई होप कि आपने 8th में भी इस तरह का क्वेश्चन किया होगा. यहाँ पे हमें गिवन है कि अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपीजियम हूज पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर एंड 10 मीटर. आपको पता है कि जो ट्रेपीजियम होता है उसमें जो है वन पेयर ऑफ साइड्स वो पैरेलल होता है, तो इसमें जो पैरेलल साइड्स हैं वो 25 मीटर और 10 मीटर गिवन है, एंड द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर एंड 13 मीटर. सो लेट ए बी सी डी बी द ट्रेपीजियम, नॉन पैरेलल साइड्स 14 सेंटीमीटर एंड 13, फील्ड है तो दीज आर इन मीटर, 14 एंड 13 मीटर, और पैरेलल साइड्स जो हैं दे आर 10 मीटर एंड 25 मीटर. 25 मैंने क्योंकि नीचे बड़ी वाली साइड बनाई है, तो नीचे मैंने 25 मीटर ले लिया, ऊपर मैंने 10 मीटर ले लिया. उसके बाद वो कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, हमें जो है क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ फील्ड जो है वो फाइंड आउट. इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो है खुद से कंस्ट्रक्शन करेंगे इस तरीके से कि ए डी के पैरेलल यहां से हम लाइन ड्रॉ. अब जब ए बी आपको पैरेलल टू लेट दिस पॉइंट बी ई, ए बी आपको डी सी के पैरेलल गिवन है, ई इज अ पॉइंट ऑन डी सी, तो इट मींस ए बी और डी ई आपस में पैरेलल हो गए. कंस्ट्रक्शन से मैंने ए डी के पैरेलल लाइन ड्रॉ की बी ई. सो व्हेनेवर यू आर हैविंग द पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस इन दिस वे, तो आपका ये ए बी ई डी क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बनेगा. पैरेललोग्राम बनेगा तो इट मींस ऑपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ. तो अगर ये 14 मीटर है तो ये वाली साइड आपकी कितनी आ जाएगी, 14 मीटर. ये पूरी मुझे 25 गिवन है. अब DE कितनी आ जाएगी, ये 10 है तो ये भी कितनी आ गई, 10. अब ये पूरी साइड आपकी 15 है, उसमें से DE आपकी 10 है, तो इट मींस EC कितनी रहेगी, 25 माइनस 10, यानी कि ये आ गई मेरे पास 15 मीटर. अब यहां ध्यान दो दोबारा से, ये 14 है साइड, ये साइड 13 है, ये साइड 15 है, इस वाले ट्राइंगल की तीनों साइड्स मेरे पास हैं, तो आई कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. मेरे पास इस वाले ट्राइंगल का एरिया आ गया. उसके बाद मुझे ये भी पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है इसकी वैल्यू मुझे मिल गई, जो भी मेरी यहाँ वैल्यू आएगी दैट आई गॉट. अब इस वैल्यू को मैं इक्वेट कर दूंगी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से. बेस मुझे पता है इसका 15 है, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी. हाइट आ गई, आफ्टर दिस ये आपका क्या है, ट्रेपीजियम है. ट्रेपीजियम का एरिया का आपका फॉर्मूला पता है, दैट इज हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. तो आप फॉर्मूला लगा दोगे, यू विल गेट योर आंसर. तो मेन जो हमें वो करना है, इसमें सॉल्व आउट करना है, दैट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल यूजिंग हिरोन्स फॉर्मूला. दोबारा देखो, हमें ये ट्रेपीजियम गिवन था ए बी सी डी, जिसमें ए बी पैरेलल टू सी डी हमें गिवन था. कंस्ट्रक्शन हमने की कि बी ई पैरेलल टू ए डी हमने ड्रॉ कर ली. अब क्योंकि ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है, ए डी जो है वो बी ई के पैरेलल है, तो इट मींस ए बी ई डी आपका क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया. तो ऑपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ. ये 14 है तो ये भी 14 आ गई, ये 10 है तो इतना पोर्शन 10 आ गया. ओवरऑल 25 गिवन था, तो ये रह गया 25 माइनस 10 यानी कि 15. अब इस वाले ट्राइंगल की तीनों साइड्स आ गई, एरिया निकाल लोगे. इस वाले ट्राइंगल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाओगे, बेस आपके पास है, एरिया आपने अभी प्रीवियसली निकाला है, तो
दोनों को इक्वेट करके यू विल गेट द हाइट. आपके पास डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स आ गया, तो डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स को आप यूज करोगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के फॉर्मूला में एंड यू विल गेट योर आंसर. सो लेट अस सॉल्व दिस. सबसे पहले आप लिख दोगे कि ए बी सी डी जो है दैट इज अ गिवन ट्रेपीजियम. ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम विद ए बी पैरेलल सी डी. अब हम इसी में कंस्ट्रक्शन कर देंगे. ड्रॉ बी ई पैरेलल ए डी. सो ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम. दिस इंप्लाइज डी ई इज 10 मीटर एंड बी ई इज 14 मीटर. सो वहां से आपके पास ई सी आ जाएगा डी सी माइनस डी ई दैट इज 25 माइनस 10 दैट इज 15 मीटर. अब सारी डायमेंशंस हमने निकाल ली हैं. अब हमने ट्राइंगल बी ई सी लेके चलना है और बी ई सी में वी आर टू फाइंड द एरिया यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूला. सो इन ट्राइंगल बी ई सी यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला सेमी पेरीमीटर आप पहले निकाल लोगे 13 प्लस 14 प्लस 15 बाय 2. दिस इज 42 बाय 2 दैट इज 21 मीटर. आपके पास अब ये सेमी पेरीमीटर आ गया. नाउ यू कैन फाइंड आउट द एरिया. सो डू द कैलकुलेशंस एंड टेल मी द आंसर. अब क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यू में भी हैं तो वहां पे ये सारा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है. सब कुछ आप फिगर में मेंशन कर लो, टाइम सेव हो जाएगा एंड देन यू कैन डू द कैलकुलेशन. सो दिस इज 21 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6. चलिए जल्दी से बताइए क्या आएगा. ये कैलकुलेशन करिए. आई एम गिविंग यू द ऑप्शन टू अनम्यूट. Whosoever will finish the calculation, that child can unmute and tell me the results. Splitting kar lo. 21 can be written as 7 into 3. 8, 4 into 2 into 7. 6 can be written as 3 into 2. Ab pairing karo. 7, 7 ki hai. To bahar single time 7 likha jayega. 3, 3 pair mein hai. Bahar single time 3 likha jayega. 4 का रूट इज 2 एंड 2 2 की पेयरिंग है तो दैट इज इक्वल टू 2. सो दिस इज 7 3s आर 21 2s आर 42 2s आर 84 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया हमारे पास 84 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया हमारे पास सो वी कैन फाइंड आउट इट्स हाइट. Let this be your equation 1. Also, area triangle BEC is half into base into altitude. That is half into base kitna hai 15. Height humne nikal liya. So isko equation 11. Yes. Ab inko aap equate kar doge. Equating 1 and 2. हाफ इंटू 15 इंटू एच इज इक्वल टू 84. ये सिंप्लीफाई करो डेसिमल्स में आएगा बच्चे 11.2 सेंटीमीटर. यस 11.2 सेंटीमीटर. सो एच इज इक्वल टू 84 इंटू 2 बाई 15. So this is 11.2 meter. Now we are to find out the area of the trapezium. Formula laga doge. Half into sum of parallel sides.
into height. This is half into parallel sides. कौन कितनी कितनी given है? 25 and 10, and height is 11.2. Simplify this, and you will get your answer. So half into 35 into 11.2. कटिंग आप अपने हिसाब से कर लेना. तो दिस इज 196 मीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 196 मीटर स्क्वायर. सो दिस वाज योर क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल बीईसी निकाल लिया, उसको इक्वेट किया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट के, वहां से आपके पास एच की वैल्यू आ गई. देन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. Put the values and get your answer. So this was your chapter number 12. If any doubt is there in this chapter, you can ask. Isse related jo aapke extra questions banenge, that we will do later. Saath ke saath MCQs jo hai, main aapko send kar rahi hoon. Unko aap solve kar lijiye. Jo aapke doubts honge, unko tick karke rakhna. Whenever we will do the revision, during the revisions, we will discuss that. So when and where you are getting your time, just try to solve that these PDFs of MCQs which I'm sending. So now we will continue with chapter 4. Chapter 4, आपका कल मैम ने इंट्रो दे दी थी. Exercise 4.1 हो गई है आपकी. Exercise 4.2 के first two questions हो चुके हैं. If you are having any doubt in that, you can ask. Otherwise, मैं आगे third question से शुरू कर रहा हूँ. Exercise 4.2, question number 3. Okay. Important concepts I will send for this chapter. Question number 3 we will start with. Question number 3 is, check whether the following are the solutions of the equation x minus 2 y equal to 4 and which are not. इनमें से कौन से जो हैं आपके solutions हैं इसके x minus 2 y equal to 4 के, और कौन से जो है इसके सॉल्यूशंस नहीं है. वी आर टू चेक दैट. अब चेकिंग के लिए क्या करना है, हमने सिंपली वैल्यूज पुट कर देनी है एक्स और वाई की, और जो भी आपका रिजल्ट होगा दैट अकॉर्डिंगली यू विल राइट. इक्वेशन गिवन है एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू फोर. एक्स और वाई की वैल्यू पुट करो. अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है, देन तो आपका गिवन पॉइंट है, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. अगर वो इक्वल नहीं आ रहे हैं तो देन दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन. फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है चेक इफ 1,2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस और नॉट. 1,2 को आपको चेक करने है, तो पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1. x को 1 पुट करोगे, y को 2 पुट करोगे, RHS fixed है 4, minus 3 is not equal to 4, या you can write down LHS is not equal to RHS, therefore 1,2 is not a solution. Of the given equation. Second point, 2,0. Excuse ma'am. हाँ जी बच्चे. Ma'am, in the first part, it is given 0,2. Okay, 0,2 mein phir you will take x is equal to 0. And this is 0 minus 4, that is minus 4. Minus 4 is again not equal to 4. So 0,2 is not a solution. Jo bhi point yahan aapko given hai, that you are to take. 0,2 is not a solution of the given equation. Second point aapko given hai 2,0. So x को आप 2 पुट कर लोगे, y को 0 पुट कर लोगे, x को 2 पुट करोगे तो दिस इज 2 माइनस ट्वाइस ऑफ y इज 0
and RHS is 4. This is 2 minus 0, that is 2, not equal to 4. So 2 comma 0 is not a solution of given equation. Third and fifth part, you will try yourself. I'm discussing part 4 now, root 2 comma 4 root 2. Put x is equal to root 2, y is equal to 4 root 2 in equation 1. So left hand side aa jayegi hamari root 2 minus twice of 4 root 2. RHS fixed rahega aapka constant hai, so this will be 4 only. So this is root 2 minus 2 4s are 8 root 2. So this is 1 root 2 minus 8 root 2, that is minus 7 root 2. So minus 7 root 2 is not equal to 4. Therefore, root 2 comma 4 root 2 is not a solution of equation 1. थर्ड एंड फिफ्थ पार्ट यू विल ट्राई योरसेल्फ. सेम वे में आपने करना है. एक्स को पुट कर दो, वाई को पुट कर दो, तो यू विल गेट योर आंसर. इफ द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इज अ सॉल्यूशन. इफ बोथ ऑफ देम आर अनइक्वल, देन इज नॉट अ सॉल्यूशन. देन क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 1. Is a solution of the equation 2x plus 3y equal to k. अब 2x plus 3y equal to k, ये equation मुझे given है, and I am given that 2 comma 1, x is equal to 2, y equal to 1 is a solution of this. तो आप यहाँ पे लिखोगे, since 2 comma 1 is a solution of this given equation 1, so it will satisfy this equation. Is given a solution of equation 1. Therefore, it will satisfy का मतलब जब हम x को 2 put करेंगे, y को 1 put करेंगे in the given equation, तो ये दोनों values आपकी equal होंगे. तो जब equate करोगे तो आपके पास k की value आ जाएगी. It will satisfy equation 1. So this implies 2 into x की वैल्यू पुट कर दो, 3 into y की वैल्यू पुट कर दो, एंड दिस इज इक्वल टू k. सो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k. सो k इज इक्वल टू 7. के लिए आपका जो पॉइंट 2 कॉमा 1 है, दैट इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 4.2. If you have any doubt in this, you can ask. Otherwise, I'm moving on to the next topic. Next, jo hai hamare paas, that is the graph of a linear equation in two variables. Abhi tak hum just ye check kar rahe the ki wo uska ek solution hai ya nahi hai. Now we are to plot a graph of a linear equation in two variables. In two variables means jo line hai hamari, that will be in the form of ax plus by plus c equal to 0. Aur mujhe kya karna hoga, mujhe is wali jo line hai iska graph plot karna hoga. Now you can clearly see ki yahan pe x ki power aapki 1 hai, y ki bhi power aapki 1 hai, yani ki this is an equation in degree 1. Linear equation hai ye aapki. लीनियर इक्वेशन है, तो इट मींस कि जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. लीनियर इक्वेशन का जब भी आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो दैट इज अ स्ट्रेट लाइन. किसी भी वे में हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, किसी भी स्लोप के साथ वो आपकी लाइन जो है वो आप प्लॉट कर सकते हो. तो सिंपली अब हमने यहाँ पे क्या करना है. अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है, जो हमने अभी प्रीवियस एक्सरसाइज में किया, कि जैसे मैंने किया कि 1, 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन,
तो ये इक्वेशन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है. अब जब हमने कहा कि 1, 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसका मतलब कि जब मैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 का ग्राफ प्लॉट करूंगी तो 1, 2 पॉइंट जो है दैट विल लाई एनीवेयर ऑन द लाइन, लाइन के ऊपर कहीं पे भी वो लाई कर. लेट अस सपोज मैंने कहा कि 9, -10 इज अ सॉल्यूशन ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. इट मींस 9, -10 जो आपका पॉइंट है दैट विल समवेयर लाई ऑन द गिवन स्ट्रेट लाइन. ग्राफ पे जब आप इसको प्लॉट करोगे तो 9, -10 पे जब आप ग्राफिकली आप उसको लोगे या आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं पे आएगा तो ये जो पॉइंट है आपका दिस विल बी लाइंग ऑन दिस लाइन जो भी आपने यहाँ पे प्लॉट की है. तो अकॉर्डिंगली जो भी आपको सॉल्यूशन गिवन है इट मींस दैट इज लाइंग ऑन द गिवन लाइन, जो भी लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है. सो यू कैन सी कि जब मैंने मान लो ये दो पॉइंट लिए ये वाले तो इनके बीच में दिस पॉइंट इज देयर, दिस पॉइंट इज देयर, दिस इज देयर, बीच में ये पॉइंट आ रहे. फर्दर अब अगर मैं ये दो पॉइंट्स में कंसंट्रेट करती हूँ तो अगेन इनके बीच में पॉइंट्स आई कैन फाइंड आउट. तो एक जो आपको गिवन है, जो भी दो पॉइंट्स गिवन है उनके बीच में अगेन देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स विच आर लाइंग ऑन दिस लाइन विच आर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. तो यू कैन से कि आपकी जो एक स्ट्रेट लाइन है अगर हम उसके सोल्यूशन निकालने शुरू करें तो वी विल बी हैविंग द इनफाइनाइट सोल्यूशन. तो इनमें से जब हमें इक्वेशन गिवन होगी एक ग्राफ की हमने क्या करनी है, थ्री जो है पॉइंट्स निकाल लेनी है जो आप जिसको हम कहते हैं कि वो सॉल्यूशन सेट है गिवन इक्वेशन का. उन थ्री पॉइंट्स को आपने ग्राफ में प्लॉट करके उनको ज्वाइन करोगे, उनको दोनों साइड्स पे एक्सटेंड कर दोगे. मान लो ये तीन पॉइंट्स मैंने प्लॉट कर दिए ग्राफिकली तो तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया उसके बाद इनको एक्सटेंड कर देना दोनों साइड पे बिकॉज दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग अ लाइन. लाइन आपको पता है दैट इज हैविंग एरोहेड्स ऑन बोथ साइड्स, ये इनफाइनाइटली आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो. तो कई बार बच्चे क्या करते हैं इसको ऐसे ज्वाइन करके छोड़ देते हैं, दिस इज नॉट रिप्रेजेंटिंग अ लाइन, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ लाइन सेगमेंट. तो लाइन बनाने के लिए आपको क्या करना है, इधर भी एक्सटेंड करो और इधर भी एक्सटेंड करो, दोनों के साथ एरो हेड्स आपने जरूर लगानी है. एरो हेड नहीं लगाओगे तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ लाइन, दैट विल नॉट बी अ लाइन. उसके बाद जो नेक्स्ट ये आ गया कि डिग्री वन का जो पॉलिनोमियल है उसको हम सेम वही कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 को लीनियर इक्वेशन कहते हैं. लीनियर इक्वेशन इसलिए कहते हैं बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, लाइन से जो है लीनियर वर्ड इसका डिराइव किया गया है. सो इसकी जो प्लॉटेशन है दैट वी विल सी टुमारो हाउ टू प्लॉट. टुमारो यू आर टू कीप द ग्राफ पेपर्स विद यू एंड अलोंग विद दैट यू विल प्लॉट द ग्राफ्स ऑफ द व्हाटएवर द इक्वेशंस विल बी गिवन. और इसी में सब जो क्वेश्चंस हैं आपके वो इस तरह के भी हैं कि आपको जो इक्वेशन है वो भी फॉर्म करनी पड़ेगी एंड आफ्टर दैट यू हैव टू प्लॉट.